सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद मसाला विद शमीम। आज हम बनाएंगे, बचपन की याद ताज़ा करेंगे, मरूंडा बनाएंगे जो कि राइस पफ के साथ बनता है, चावल के मुरमुरे भी कहते हैं, फुलिये कह रहे, नमकीन या मुरमुरे जो भी आप कहें, बहुत से नाम है इसके, वो आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रे को रेडी करना है, इसके लिए हम थोड़ा बटन लगाएंगे इस पे। आप ये पहले ही करके रखें क्योंकि फिर वो जल्दी जमने वाला होता है, इसलिए इसको पहले ही रेडी करें। ये नारियल लिया है, खोपा जो होता है इसको बारीक काट लिया है, तो ये थोड़ा डाल दें। ये आमतौर पे आजकल मिलता नहीं, कहीं कहीं मिलता है तो इसलिए हम खुद बना रहे हैं, घर का बहुत ही अच्छा है ये। और ये राइस पफ तो इतने सस्ते मिलते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, तो बड़ी आसानी से घर में बन जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। थोड़े से ये मीठे तिल लिए हैं, आप इसकी जगह मीठी सौंफ भी ले सकती हैं, तो ये डालूंगी मैं। ये लो फ्लेम पे बनाएंगे हम, हाफ टी स्पून देसी घी लिया है, बटर भी ले सकते हैं आप, ऑयल भी डाल सकते हैं। एक कप गुड़ का लिया है, छोटे पीस कर लें गुड़ को, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे इसमें, इसको कवर कर दें ताकि ये मेल्ट हो जाए। आप चीनी से भी बना सकते हैं, अगर गुड़ का नहीं इस्तेमाल करना तो चीनी से बना लें। गुड़ पकना शुरू हो गया है, पर स्लो आंच में इसको पकाएं, तेज आंच में नहीं इसको बनाना। गुड़ को देखने के लिए जरा सा गुड़ पानी में डाल लें। इसको हम देखेंगे अभी ये हुआ कि नहीं, ये देखें अभी नहीं हुआ, ये थोड़ा और करना पड़ेगा इसको। ये देखिए ये ऐसे कड़क हो गया, अब सही तो ऐसे हमें चाहिए, ये देखिए टूट रहा है आसानी के साथ। ये राइस का पैकेट है, राइस पफ का, ये वाली ऐसे, तो ये बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती। ये 4-5 कप हमने लिए मुरमुरे के, ये डाल देंगे इसमें। इसको ट्रे में फौरन ही डालना है ताकि जम जाएगा फौरन ही। सारी जगह ट्रे में डाल लें। अच्छे से चम्मच से दबा लें, इसको भी जरा गर्म है, फिर हम बेलने से करेंगे इसको। और ट्रे ऐसी लें जिसके मुताबिक आपने मोटा बनाना है, उसके मुताबिक ट्रे लें। अच्छी तरह दबा दबा कर इसको करें। हाथ से भी हो जाएगा ये, अब थोड़ा ठंडा हुआ है। बेलने से दबा लें इसको अच्छा सा, ऐसे कर चारों तरफ से। ये देखिए बड़े आराम से बेला जाएगा ये, अच्छे से हर तरफ से कर लें। इस साइड से रह गया तो ये भी करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, आवाज आ रही है आपको। अभी हम इसको कट कर लेंगे, थोड़े से हल्के से निशान लगा लेंगे तो फिर आसानी से निकल जाएगा ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मरूंडा बना है, बचपन की याद देखकर ताज़ा हो गई है। आप लोगों की भी हुई है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार बना है और खस्ता भी इतना है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखें सारा तैयार हो गया है, बहुत ही आसानी से बनाया आपके सामने हमने, और बहुत जल्द बन जाता है ये। ये देखें बहुत ही खस्ता बना है,
ये देख लो, आपको आवाज़ तो आ रही होगी एकदम अच्छा बने, तो ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड में, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। बेल आइकन का बटन भी दबाएं। आप सब अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।